In this video you will be know about medicine plant treatment and courses of pharmacy any type of test which will be educate you. नमस्कार दोस्तों, सावन फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम जो चैप्टर लेकर के आए हैं वो हमारा ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में से हम बात करेंगे टिश्यूज के बारे में। अगला चैप्टर मैंने जो देखा था वो हमारा था सेल्स के बारे में, ठीक है। तो आज हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, जो टिश्यू यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं उत्तक, ठीक है। हम उत्तक के नाम से जानते हैं हिंदी में। अब हम आज पढ़ेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है। उसकी डेफिनेशन जो होती है वो डेफिनेशन होता है द ग्रुप ऑफ सेल्स टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन एंड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ, अर्थात यानी दैट इज called tissues, ठीक है। इसके जो types होते हैं, हाँ, इसके जो प्रकार होते हैं कि इसको हम किस टाइप से जान सकते हैं, तो इसके जो types होते हैं वो types हमारा होता है इसके जो मेनली जो टाइप होते हैं चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो चार प्रकार के में हमारे टाइप्स में जो पढ़ने होते हैं वो हमारा होता है, पहला है epithelial tissue, ठीक है। epithelial tissue के भी टाइप होते हैं, हम उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। और हमारा जो दूसरा है वो होता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के भी टाइप होते हैं, उसमें क्या क्या आते हैं हम उसके बारे में लेकर सब अध्ययन करेंगे, ठीक है। और तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में मसल्स यानी स्पेशल मसल जो होते हैं उनको पढ़ने के लिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो नर्वस टिश्यू यानी कि नर्व न्यूरोन्स के बारे में। आपने स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा कभी कि एक न्यूरोन्स होते हैं जैसे करके ऐसे करके उसके बारे में भी हम पूरा जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। अभी जो है हम पढ़ेंगे कि पहला जो हमारा एपिथेलियम है यानी कि सिंपल एपिथेलियम यानी एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, सिंपल एपिथेलियम के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो पहला है वो सिंपल एपिथेलियम, ठीक है। इसके जो एपिथेलियम के टाइप के बारे में बात करेंगे, तीन प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल एपिथेलियम जो सिंगल लेयर का होता है, ठीक है। और दूसरा जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम यानी कि ये मल्टीपल लेयर के हैं, ठीक है। और तीसरा जो होता है उसको नॉन स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जिसको कहते हैं सुडो एपिथेलियम, ठीक है। जो सुडो एपिथेलियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले हम जानेंगे सिंपल एपिथेलियम में क्या क्या चीजें आती है, कितने भागों में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा होता है जो सिंपल एपिथेलियम के बारे में पढ़ेंगे, तो सिंपल एपिथेलियम को हम एस सिंपल एपिथेलियम को ई सिंपल एपिथेलियम को एस ई से डिनोट किए, ठीक है। या थोड़ा समझता है कि यह सिंपल एपिथेलियम है। इसमें जो होता है वो हम पढ़ते हैं कोलुमनार एपिथेलियम, ठीक है। और दूसरा पढ़ते हैं स्क्वामस एपिथेलियम, हम जो पढ़ते हैं वो होता है क्यूबॉडल एपिथेलियम, ये कहां-कहां पाए जाते हैं, ठीक है। ये कहां-कहां पाए जाते हैं और इसके क्या फंक्शन है तो उसके बारे में हम बताएंगे। जैसे सिंपल एपिथेलियम हम कोलुमनार एपिथेलियम के बारे में बात करें तो कोलुमनार एपिथेलियम यानी कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कोलुमनार एपिथेलियम की, इसके क्या होते हैं कोलुमनार की तरह होते हैं यानी सिंगल एक लेयर होगा, एक ही लेयर के होते हैं और ये कोलुमनार जैसे रहते हैं, लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। कोलुम जैसे होते हैं, ठीक है। ऐसे देखा ऐसे करते ये कोलुमनार होते हैं। इसकी जो न्यूक्लियस होती है सबसे ज्यादा इसकी
की बात होती है ना कि ये नेस्पेंट मेम्ब्रेन है, ये हमारा जो है सुपर एपिथेलियम सुपरमेंबर एपिथेलियम का है, वो हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गए, ठीक है, जिसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसको जो कहते हैं वो कोलोमनार एपिथेलियम का लेयर, ये लेयर एग्रीगेट करके एपिथेलियम बनाता है। हम चलिए क्या पढ़ा था, द ग्रुप ऑफ सेल टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन एंड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द, यानी कि सेल हमें क्या कहता था, द सेल कहता था कि हम जो है वो क्या है, द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल होता था उसमें क्या होता था, माइटोकॉन्ड्रिया होता था, राइबोसोम होता था, लाइसोसोम होता था, ये सारे कंपोनेंट अपना साइटोप्लाज्म होते थे, फिर एक था साइटोप्लाज्म का ऊपर ओवर एक कवर होता था, ठीक है, तो उस तरह से एक सेल्स होता था। अब अगर हम इसमें बात करें तो एक सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, एक ओनली वन सेल कोलोनार सेल्स का, लेकिन ये एग्रीगेट हो गया है, क्या कह रहा है, द परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, कब क्या होता है, इस ग्रुप ऑफ सेल एंड एग्रीगेट ये सब मिल करके बंच की तरह बन करके उसको एक टिश्यू का निर्माण देता है, जिसको कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या कहता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, तो ये ग्रुप बनाते हैं, तो ये ग्रुप बन करके क्या हो गया, टिश्यू हो गया, कौन सा टिश्यू हो गया, सिंपल टिश्यू की हम बात कर रहे हैं, कौन सा टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं, इसके तरफ हम न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे, जिसकी न्यूक्लियस होती है वो लंबी होती है और ये एंटर सेंटर में होते हैं, ठीक है, कोरोनार एपिथेलियम के जो न्यूक्लियस होते हैं और सेंटर होते हैं और ये लंबे लंबे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, तो ये हमारा था इसका कोरोनार एपिथेलियम, सिंपल लेयर होते हैं, एक लेयर होते हैं, दो लेयर नहीं होती है, ठीक है, इसी तरह से हम अगर करेंगे तो हम स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में बात करेंगे, ठीक है, हम इसको मिटाते हैं, है ना, और स्क्वामस एपिथेलियम में भी ऐसे ही बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऐसे ही करते हुआ, ठीक है, और इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन करेंगे और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन में हमारा रहता है स्क्वामस टाइप रहता है, स्क्वामस यानी कि एक ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ और ऐसे हुआ और फिर ऐसे हुआ, यानी कि आप इसको ले सकते हैं ऐसे हुआ और ये, यानी कि इसी तरह से ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में सिंगल लेयर का हमारा बनता जाता है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्क्वामस एपिथेलियम जो सिंगल लेयर का होता है, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं स्क्वामस एपिथेलियम, ये हो गया, तो ये सिंगल लेयर के होते हैं, इसको जो न्यूक्लियस होते हैं नियर द बेस होते हैं, ऐसे करके न्यूक्लियस होते हैं बीच में सेंट्रल कौन से नीचे में रहते हैं ऐसे करते रहता है, इसकी जो लेयर होती है वो ऐसे करके फ्लैटेन होता है, ठीक है, ऐसे करके लेयर हो जाते हैं जब तो मल्टीपल लेयर होते हैं, तो ठीक है ये सिंगल लेयर के होते हैं, ये हमारे स्क्रीन में आप जो देख सकते हैं वो सिंपल एपिथेलियम रहता है, ठीक है, तो सिंपल एपिथेलियम क्या होता है, ये जो क्या होता है सबसे ज्यादा जो होता है ये एब्जॉर्प्शन साइट होता है और सिक्रीशन साइट होता है, ठीक है, हम ये हम अब इसके बारे में बात किए, हमारा कोरोनार एपिथेलियम हो गया, स्क्वामस एपिथेलियम हो गया, अब हम बात करेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है, तो हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो रहता है वो आप देख सकते हैं कि हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, ऐसे करके हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया जिसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन से ऐसे डिनोट करते हैं, बेसमेंट बी से और एम से नाम, ठीक है, अब ये हमारा जो सेल्स बनता है वो सेल होता है ऐसे करके स्क्वामस यानी क्यूबॉइड, एक क्यूब की तरह, क्यूब मतलब होता है घन, वो घन की तरह, ठीक है, तो ये घन की तरह ऐसे करके हुआ ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, इसके जो होते हैं जो न्यूक्लियस होते हैं नियर द बेस होता है, इसमें भी ऐसे करके होता है, तो ये न्यूक्लियस हमारा द बेस हो गया, ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्यूबॉइडल एपिथेलियम का, ठीक है, अब हम चलते हैं कि ये हो गया हमारा, तो ये हमारा सिंपल एपिथेलियम, ठीक है, सिंपल एपिथेलियम में एक यूनिक बात हम आपको बता देते हैं, ये जो सिंपल एपिथेलियम कोरोनार एपिथेलियम होते हैं वो हमारा ज्यादा करके यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है, ठीक है, और आपको सिंपल एपिथेलियम का कोरोनार जो एपिथेलियम रहता है वो आपको फैलोपियन ट्यूब्स
कैल्शियम ट्यूब में भी पाया जाता है। स्क्वामस एपिथेलियम जो रहते हैं वो हमारा क्या होता है कि जो ग्लैंड्स होते हैं उसके ग्लैंड के जो डक्ट होते हैं ना उस जगह पे ज्यादा करके कम पाए जाते हैं। और यह लाइनिंग ऑफ अल्वियोलाई, अल्वियोलाई का जो लाइनिंग रहता है यानी जो हमारा लंग्स रहता है, ठीक है, हमारा जो लंग्स रहता है लंग्स को दिखा रहे हैं, ठीक है, ये जो हमारा लंग्स रहता है दोनों लंग्स जो फेफड़े रहते हैं, ठीक है, तो ये फेफड़े के जो लाइनिंग सीधा से जो आता है ट्रैकिया, ट्रैकिया से फिर इधर इधर जो होते हैं, तो यहाँ पे जो छोटे 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 गुब्बारे जैसे लगे रहते हैं उसके लाइनिंग में जहाँ पे गैसेस एक्शन होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड में आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा जो होता है वो किसमें होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है, तो क्या होता है सॉरी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा जाकर के लंग्स में क्या होता है ऑक्सीजनेटेड यानी कि अनप्यूरिफाइड ब्लड हमारा प्यूरिफाइड होता है ब्लड को, ठीक है, तो वो चीज हमारा क्या होता है लंग्स में होता है, वो साइट होता है हमारा स्क्वामस एपिथेलियम का। अब क्यूबर्टल एपिथेलियम का कहां बात रही, तो आप देखे होंगे कि जो हमारा नेक होता है, ठीक है, नेक के बगल बगल के साइड में हमारा थायरॉइड का ग्लैंड होता है, उसके ग्लैंड का जो डक्ट है ना जो सेल्स रहता है, तो ग्लैंड का जो ये बना रहता है पॉलिकल्स थायरॉइड पॉलिकल, ठीक है, उस थायरॉइड पॉलिकल में जो हमारा रहता है वो हमारा रहता है आपका क्यूबर्टल एपिथेलियम, ठीक है, तो हम इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो हम ये कर रहे हैं, ठीक है, अब ये हमारा हो गया। अब हम चलेंगे ई हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में हम पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बारे में हम एपिथेलियम की पढ़ रहे हैं।